हेलो एवरीवन, दिस इज तारिफ एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। हम सब लोगों को पता है भाई, कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है और हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जेएनयू के हैं, उन लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। बहुत से लोग मुझे भी पूछ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, फेसबुक पे मैसेज आए, क्या सर हम लोगों को भी यूपीएससी क्वालिफाई करना है, जेएनयू क्या एक अच्छा स्पेस है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। हम सब लोगों को पता है जेएनयू से भाई हर साल में, आप लोगों को जस्ट एक रफली डेटा बता दूं कि 50-60 स्टूडेंट जो हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो गया, चाहे वो यूपीएससी हो गया, चाहे वो असिस्टेंट कमांडर का एग्जाम हो गया, या चाहे और भी कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया, बहुत से स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम लोग जेएनयू में पढ़ के यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं, सर आई वांट टू टेक एडमिशन इन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, कुड यू प्लीज टेल मी, साइड बाय साइड मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकता हूं, सर जेएनयू में यूपीएससी का एनवायरमेंट कैसा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स पूछे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से भाई ये डिस्क्लेमर है कि मैंने खुद यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया, मगर हाँ हायर एजुकेशन में एटलीस्ट 8-9 ईयर स्पेंड किए हैं और पर्टिकुलरली जेएनयू में मैंने 9 ईयर स्पेंड किए हैं, अपनी सारी डिग्रीज वहां से की हैं। अभी मैं वर्क कर रहा हूं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पॉलिटिकल साइंस, मगर अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं जो देखा है जेएनयू में, क्या आप लोगों के लिए वो स्पेस बेटर है अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं है। चलिए हम इस आइडिया को पूरी तरह से अनफोल्ड करते हैं और आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। हम सब लोगों को पता है भाई, जैसे हम मुंबई को कहते हैं मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल, इसी तरह दिल्ली को हम कहते हैं दिल्ली इज एन एजुकेशन हब, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं जो पर्टिकुलरली यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले लोग एक ना एक बार दिल्ली में आते ही हैं। 75-80% लोग तो दिल्ली में ही रह के प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, कुछ 2% लोग वो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत जीनियस लोग होते हैं, वो घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम लोग जो हैं दिल्ली में ही आके प्रिपेयर करते हैं। अब हम सब लोगों को पता है दिल्ली में रहना एक स्टूडेंट के लिए इजी टास्क नहीं है, उसके लिए भाई आपको चाहिए बहुत सारा मनी, ठीक है। तो बाहर रह रहे हो, पीजीज में रह रहे हो, वो जगह एक्सपेंसिव है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, जेएनयू एक बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है, इस चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। यस, हम सबको पता है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए क्या चीजें हैं जो प्राइमरी हैं, जो हर एक यूपीएससी स्टूडेंट चाहता है कि मेरे पास हो तो मैं क्वालिफाई कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्टल फैसिलिटी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, बुक्स हो गया, स्टडी का प्रॉपर इन्वायरमेंट हो गया, खाने पीने की फैसिलिटीज हो गई, फिनेंशियल उसको जो भी स्टेबिलिटी है वो अगर चाहिए, ये सारी चीजें हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो जेएनयू को भी हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्या जेएनयू ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है एक स्टूडेंट जो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा साउंड बैकग्राउंड से नहीं आता, क्या वो जेएनयू में रह के प्रिपेयर कर सकता है, क्या उसको हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेंगी, क्या उसको 24/7 लाइब्रेरी एक्सेसिबिलिटी है, क्या जेएनयू उसके लिए सस्ता पड़ता है या नहीं। लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू अनफोल्ड दिस एंटायर डिबेट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसमें यह है कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए आपके कोर्स की यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ। इसका क्या मतलब है कि जो कोर्स आप लोग चूज कर रहे हो वो कोर्स ज्यादा हैक्टिक नहीं होना चाहिए। जेएनयू में कुछ कोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा हैक्टिक है भाई, वो आपको बिल्कुल टाइम नहीं देंगे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ऐसी बात नहीं है उन कोर्सेज में जो स्टूडेंट होते हैं वो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करते हैं, करते हैं, बट थोड़ा उनके लिए ज्यादा हार्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट में जो हो गए, साइंस के डिपार्टमेंट में जो हो गए, फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमिक्स में ले रहे हो, सीएसआरडी में ले रहे हो, सीएचएस में ले रहे हो, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले रहे हो, तो वर्कलोड वहां पे ज्यादा होगा, आप लोग यूपीएससी के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस में भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आप रह के यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, डिपार्टमेंट का काम भी कर सकते हो। इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन में भी कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर आप लोग रह के दोनों कामों को मैनेज कर सकते हो। इसके ऊपर मैं कभी फिर से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, जेएनयू में आना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट को आप प्रेफरेंस दो ताकि आप दोनों तरफ इजिली मैनेज कर पाओ। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो है हर
यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उसको चाहिए होता है भाई लाइब्रेरी फैसिलिटी। और लाइब्रेरी ऑनली 5 आवर 6 आवर के लिए नहीं, यूपीएससी का स्टूडेंट चाहता है कि 24/7 लाइब्रेरी हो, नॉट जस्ट फॉर बॉयज बट फॉर गर्ल्स ऑल्सो। जेएनयू में बेस्ट थिंग यही है कि 24/7 आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। मोस्ट ऑफ द जो लाइब्रेरीज होती हैं अगर आप बाहर जाओगे देखोगे वो रात के टाइम पे क्लोज हो जाता है, लड़कियों को 6 बजे बैग बंद और घर वापस। मगर जेएनयू में ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है, 24/7 लाइब्रेरी चलती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो हर टाइम 24/7 जेएनयू में बैठ के पढ़ सकता है। लाइब्रेरी में 9 फ्लोर है भाई, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप किसी फ्लोर में भी जाके बैठ के पढ़ सकते हो। उसके बैक साइड में एक और लाइब्रेरी है जिसको हम वहां पे कहते हैं डोलपुर हाउस। डोलपुर हाउस आप लोगों को पता है कौन सी जगह है, जहां पे यूपीएससी का मेन सेंटर है, जहां पे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो उस जगह का नाम ही उससे पड़ा है, इसलिए वो डोलपुर हाउस कभी भी बंद नहीं होगा। साल में कहीं एक बार बंद हो गया उसके लिए मैं नहीं कहता हूं, बट मैक्सिमम टाइम पे वो खुला ही रहता है, इसलिए लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको मिलेगी एकदम टॉप क्लास। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है जो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो है बुक्स। हम सबको पता है बुक्स के बिना उनका गुजारा नहीं है, तो बुक्स भी जेएनयू के बिल्कुल पास में जो मार्केट है वो है बेरसराय। बेरसराय से आपको यूपीएससी का 80% जो है मटेरियल वहां से ही मिल जाएगा, जो बचा रह गया 2% वो मिलेगा आपको मुखर्जी नगर से। तो मुखर्जी नगर कोई जेएनयू से ज्यादा दूर भी नहीं है, जेएनयू के स्टूडेंट खुद भी जाते हैं, महीने में एक चक्कर लगा लिया, 15-20 किलोमीटर दूर है, मेट्रो से गए और अपना मटेरियल लेके वापस आ गए जेएनयू और लाइब्रेरी में बैठ के फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसलिए बुक्स की फिजिबिलिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो जेएनयू आप लोगों के लिए बेस्ट है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग हो गया हॉस्टल फैसिलिटी। बिल्कुल भाई, हम सब जो स्टूडेंट लोग हैं पर्टिकुलरली यूपीएससी के लोग हैं उनको ये चाहिए भाई लाइब्रेरी में जाके पढ़े और वापस एक जगह ऐसी हो जहां पे एटलीस्ट 6 से 8 घंटे हम लोग अच्छे से नींद कर लें। तो जेएनयू के जो हॉस्टल हैं वो अफोर्डेबल और बेस्ट हॉस्टल हैं, वो आप लोग एक्सेस कर सकते हो। हॉस्टल्स में आपको पता है खाना मिल जाएगा, बिल्कुल चीप खाना मिलेगा और हाइजीनिक खाना मिलेगा, चीप रेट पे मिलेगा, एकदम बेस्ट आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट रहेगा वो खाना। हॉस्टल फैसिलिटी हम लोगों को 24/7 है और हॉस्टल में भी वाईफाई आपको मिलेगा, लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पे भी वाईफाई मिलेगा। ये फैसिलिटी जो जेएनयू में एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट आप लोग ले सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। देन इंपॉर्टेंट थिंग देखा जाए तो स्टडी इन्वायरमेंट। हम सब लोगों को पता है आपके दिल में आप ये सोच भी रहे होगे कि हमें यूपीएससी के लिए पढ़ना है, बट एक गाइडलाइन नहीं होगी। अगर आप लोग जेएनयू में आओगे तो इतना अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट है भाई, जो भी लोग मेरी YouTube वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है आप लोग इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल भी मीडिया पे TV रिपोर्ट्स पे मत जाना, जेएनयू में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो बताते हैं। स्टडी इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी तरह की भी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं तो कहूँगा जल्दी आओ जेएनयू में, जल्दी आ जाओ। क्योंकि जब आप लाइब्रेरी में जाओगे तो स्टडी इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि आपके जो नेक्स्ट सीट पे हो सकता है एक ऐसा स्टूडेंट बैठा हो जिसने यूपीएससी क्वालिफाई किया और एक्सटेंशन लेके रैंक इंप्रूव करने के चक्कर में फिर से बैठ के पढ़ रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट नेक्स्ट उससे नेक्स्ट में मिलेगा जिसने स्टेट सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया हुआ है, एक्सटेंशन लिया और अभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसके नेक्स्ट देखोगे तो किसी ने असिस्टेंट कमांडर का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, वो भी पढ़ रहा होगा एसएससी, और हर छोटे तरह के एग्जाम जो है या बड़े एग्जाम हो वो क्वालिफाई किए हुए बच्चे वहां बैठ के पढ़ते रहते हैं, जिनसे आप लोग गाइडलाइन ले सकते हो। अनलाइक अदर इंस्टीट्यूशन, जेएनयू की बेस्ट बात यह है कि यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं मेंटेन किया जाता। लाइब्रेरी में रिसर्च स्कॉलर यहां बैठेंगे या सीनियर स्टूडेंट यहां बैठेगा, बीए वाला यहां बैठेगा या एमए वाला यहां बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी स्टूडेंट से हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आपको हेल्प करेंगे। तो इसलिए यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए स्टडी इन्वायरमेंट भी जेएनयू में, मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ फ्रॉम माई 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्टेइंग इन जेएनयू, टॉप क्लास इन्वायरमेंट आपको मिलेगा इफ यू आर अ यूपीएससी स्टूडेंट, यूपीएससी पढ़ने की चाहत रखते हो। उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फाइनेंस। जो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल होगा वो ही पढ़ भी पाएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार हम मैनेज कर लेंगे, नो, दिल्ली जैसी सिटी में मैनेज नहीं होता भाई। जेएनयू के हिसाब देखा जाए तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल है,
ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं आता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से था। 5000 to 8000 में हमारा गुजारा JNU में एकदम अच्छे से हो जाता था, इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से भी JNU आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो एक UPSC एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो होता है डेडिकेशन का पॉइंट। डेडिकेशन पे मैं कोई भी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो लोग वॉच कर रहे हो, डेडिकेशन आप में होगी तभी आप लोग मुझे वॉच कर रहे हो। और डेडिकेशन और हार्डवर्क तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम लोगों को करना ही करना पड़ेगा, उससे देर इज नो एस्केप, नो वे आउट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है चाय। जब तक चाय की चुस्की ना लगे पढ़ने का भी मज़ा नहीं आता। चाय और ऑब्वियसली खाना, भाई खाने के बिना तो दिमाग चलेगा नहीं। चाय और खाना जो है वो आपको लाइब्रेरी के बिल्कुल पास में एक कैंटीन है, उस कैंटीन की बेस्ट चीज़ यह है कि वो कैंटीन भी 24/7 है। लाइब्रेरी के पास जो कैंटीन है उसमें दिन में आपको खाना वाना सब कुछ मिल जाएगा, चाय एवरीथिंग, मगर रात में जब आप पढ़ने जाओगे तो रात में भी वो लाइब्रेरी पूरी रात को खुली रहती है, जहां से आपको चाय समोसा दिन का बचा हुआ दाल वड़ा सांभर वड़ा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा खाने के लिए, बिस्किट वगैरह स्नैक्स, आपका पेट भर जाएगा तो आप लोग पढ़ाई कर पाओगे। आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है, मुझे जो स्टूडेंट मेरे से बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें सर UPSC के लिए पढ़ना है और JNU की अच्छी लोकेशन है, हम लोग वहाँ पे जाएं या नहीं जाएं, क्या JNU में अगर हम सब्जेक्ट एडमिशन ले रहे हैं किसी सब्जेक्ट में और हम उसके साथ साथ UPSC के लिए पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अनफोल्ड करके आप लोगों को बता दिया है। मेरे हिसाब से देखा जाए, इफ यू आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप लोगों को ये क्रेविंग है कि UPSC करना ही करना है, तो मेरी सजेशन यह है भाई, बेस्ट स्पेस दिल्ली है और दिल्ली में भी बेस्ट स्पेस JNU है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को ये सब जो इन्फॉर्मेशन दे दी है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें बच भी गई हैं, उनको आने वाले टाइम में हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे, आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप लोग जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब तो करना ही करना, और हाँ वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाए, उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जो चाहत रखते हैं कि भाई वो भी UPSC क्वालिफाई कर लें, फिनांशियल अच्छी बैकग्राउंड से नहीं है, खास करके वो स्टूडेंट जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनको कुछ हेल्प मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरी तरफ से ये सजेशन है कि अगर आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी तरह की भी सिविल सर्विस के लिए, तो किसी तरह से जल्दी जल्दी JNU में एंट्री लो, आपके रास्ते बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। मिलते हैं अब आप लोगों को बाय लोग नेक्स्ट व्लॉग में, आप सब लोगों का प्यार मुझे भी ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।